श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अब भगवान ने कृपा किया है। अब भगवान बोले कि अब हमको आदेश दीजिए, हम जा रहे हैं अपने घर द्वारिकापुरी। लेकिन यहाँ सब पांडव मिल करके प्रभु को रोक रहे हैं, प्रभु मत जाइए। भगवान बोले नहीं नहीं, आप अपने परिवार को संभाल लीजिए, जो कष्ट था, जो संकट था वो तो टल गया, अब हमको जाना जरूरी है। इधर अश्वत्थामा अभी अपमानित होके गया, वो सोच रहा है कि मेरा इतना अपमान मैं छोड़ूंगा नहीं, इस वंश के हर बालक को खत्म कर दूंगा। फिर सोचता है सब तो मर ही गए, पांच पांडव के पुत्र को मार दिया, अब कौन बचा। याद आया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक पल रहा है, उसको भी मैं मार दूंगा। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रहार किया और वो ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ में लगा। उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र प्रहार किया उत्तरा को अत्यंत कष्ट हो रहा है। भगवान रथ में बैठ गए हैं, दौड़ के गई और भगवान के चरण को पकड़ लिया और देवी उत्तरा कहती है, पाही पाही महायोगिनी देव देव जगत पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परास्परम्। पाहि माम रक्ष माम, हे प्रभु आप रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें बचा लीजिए। देखिए आज उत्तरा देवी दौड़ के आई, कष्ट हो रहा है, किसी के पास नहीं गई, सीधा प्रभु के चरण को पकड़ लिया और कहती है, पाहि माम रक्ष माम, हे नाथ आप बचाने वाले हैं, मैं जानती हूँ। देखो भक्त जब आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं। आप बाद में कथा सुनोगे अष्टम स्कंद में, गजेंद्र ने भगवान को बड़े आर्त भाव से पुकारा है, प्रार्थना किया है। अगर सच्चे दिल से पुकारो, प्रार्थना करो तो भगवान को आने में देरी बिल्कुल नहीं लगता। आज उत्तरा ने प्रार्थना किया है, पाहि माम रक्ष माम। देखिए आज उत्तरा सीधा प्रभु के पास गई, क्यों? क्योंकि उनको पता है बचाने वाले केवल भगवान है। आपके जीवन में अगर दुख आए, आप अपने जीवन में ये करके देख सकते, प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा, आपके जीवन में दुख आया है, आप संकट में हो, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस समय आप अपने रिश्तेदार के पास जाना। आप लोग तो बड़े हो, अनुभवी होंगे, आपके जीवन में ऐसा समय भी आया होगा, जीवन में दुख आए तो उस समय रिश्तेदार के पास जाने के बाद में रिश्तेदार भी सहयोग नहीं करेंगे। इस संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, सब सुख के साथी है, सुख अगर है तो सब कहेंगे आप जैसे कोई नहीं, आपका समय अच्छा चल रहा हो। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी का कभी नहीं होता। वक्त अच्छा है सब आपके है, वक्त बुरा है कोई भी आपके नहीं है। आपके पास पैसा है, धन है, अच्छे अच्छे बंगला है, गाड़ी है, तो उस समय आपके अपने रिश्तेदार 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हमको इतना प्यार करते इसलिए आ रहे हैं, आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई आपको नहीं चाहता इसलिए आपके आगे पीछे घूम रहे, वो आपके पैसा को प्यार करते हैं, आपके शोहरत को प्यार करते हैं, आपके सम्मान को देख करके आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। और जिस दिन आपके पास में दो वक्त की रोटी ना हो तभी रिश्तेदार को फोन लगाइएगा, तब कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग केवल सुख के साथी है, दुख के समय तो
केवल भगवान ही काम आते। उत्तरा इस बात को बड़े अच्छे से जानती है। आज उत्तरा कहती है कि प्रभु हम इसलिए आपके शरण में आए, जब देवी द्रौपदी के ऊपर संकट आया था, भरी सभा में दुशासन द्रौपदी के साड़ी को खींच रहा था, तब उस समय सब की ओर देखा, किसी ने मदद नहीं किया, किसी ने सहयोग नहीं किया। अंतिम में जाकर के द्रौपदी मैया ने द्वारिकाधीश को पुकारा, तब जाकर के भगवान एक पल में आए, चीर प्रदान किया, वस्त्र प्रदान किया और द्रौपदी की रक्षा की, उनके लाज को बचाया। इसलिए हम सीधा आपके पास आए, भरोसा है, विश्वास है, आस है केवल आपके ऊपर। अगर विश्वास आपका दृढ़ होगा तो भगवान आपकी रक्षा हर परिस्थिति में, हर समय में अवश्य ही करेंगे। प्यार से बोल दीजिए ना, लेकिन विश्वास होना जरूरी है। कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, हम दिन रात भजन करते, दिन रात याद करते हैं, लेकिन जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान कभी हमारा संकट खत्म नहीं करते। जितना भजन करते जा रहे हैं उतना दुख आता जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? कई लोग पूछते हैं। देखिए, आपने अगर भजन किया है तो भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने नाम जप किया है तो उस भजन का प्रभाव एक न एक दिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने जितने बार प्रभु का नाम उच्चारण किया है उसका फल मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। भाव से भजो, कुभाव से भजो, आलस बस भजो, क्रोध बस भजो, अगर भजन किया है तो पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन जब तक विश्वास ना हो तब तक भगवान नहीं आते। प्रहलाद जी ने प्रभु को खंभे के भीतर से प्रकट किया, कैसे किया? केवल विश्वास से किया। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष के आयु में प्रभु मिल गए, कैसे मिल गए? विश्वास से मिल गए। जब तक भजन के साथ विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। प्यार से बोल दीजिए ना, जोर से बोलो ना जी। अब आज उत्तरा पुकार रही, प्रार्थना करती है, भगवान ने तुरंत एक पल भी देरी नहीं किया। उत्तरा मैया के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र रूप बनाए, छोटा सा रूप बनाया और भीतर प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित का रक्षा प्रभु ने कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये वही परीक्षित हैं जिनको भगवान गर्भ में जाकर के बचाते हैं। यही परीक्षित जी भागवत कथा के प्रमुख श्रोता के रूप में कथा सुनेंगे।